वेलकम टू माय चैनल किलर खोटा में। और आज हम देखेंगे लिंग, जो कि खोटा व्याकरण में, जो कि सभी खोटा एग्जाम में पूछा जाता है व्याकरण से, क्लास 8, 9, 10 और 12 और ग्रेजुएशन या फिर पीजी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव खोटा एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं कि लिंग होता क्या है और खोटा में कितने भेद हैं। खोटा भाषा की लिंग व्यवस्था, यानी नर मादा का बोध कराने वाले शब्दों को विचार को व्याकरण में लिंग कहा जाता है। नर या नर मतलब लड़का, मानव मानव रूपी में देखें तो नर लड़का को और मादा लड़की को बोला जाता है। हिंदी में तो हम लोग जानते हैं कि मेनली स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को रखा गया, लेकिन खोटा में मुख्य रूप से तीन भेद को रखा गया है। तो आइए हम देखते हैं तीनों भेद का। खोटा में तीन तरह के लिंग माने गए हैं, एक नपुंसक लिंग और दूसरा पुल्लिंग और तीसरा स्त्रीलिंग। तो पहला देखेंगे नपुंसक लिंग। सारे अप्राणी अथवा छोटे प्राणी वाचक या भाववाचक संज्ञा शब्द नपुंसक लिंगी होते हैं। सूप, खरई, सूप मतलब समझ रहे हैं, सूप, खरई, खलिहान, टुंगरी, मांदर, आतर, ढटना, चरीच, बिहा, बेथा इत्यादि नपुंसक लिंग में आते हैं। पुल्लिंग, बड़े नर प्राणियों के नाम जाति पेशा समुदाय के नाम पुल्लिंग अंतर्गत में आते हैं, जैसे बरद, बरद यानी बैल, मरद यानी आदमी समझ रहे हैं, बाघ, बौर, सियार, तेली, लोगदा, कुम्हार, पांडे, छोड़ा, बूढ़ा, चोर, मोर, आद्य, खलाहा, घिष्टाहा इत्यादि पुलिंग में आते हैं। अब स्त्रीलिंग में देखेंगे हम। अब स्त्रीलिंग देखेंगे, बड़े मादा प्राणियों के नाम जाति पेशा समुदाय के स्त्रीलिंग वाची होते हैं, जैसे लाघ, गैर, जनी, बाघिन, कन्या, सियारिन, तेलिन, लोगदिन, कुम्हारिन, कुमरान, यानी जो इस पुलिंग में देखे तो उसका अपोजिट कर देना स्त्रीलिंग में। ये था मेरा स्त्रीलिंग। अब इसके आगे थोड़ा बहुत कुछ माना जाता है उभयलिंग शब्द को, यानी जो शब्द दोनों लिंगों में व्यवहार होते हैं, जैसे छुआ, गिद्धर, पोहना, खनियार, करनियार यानी काम करने वाला, खनियार यानी खाने वाला, घरैया यानी घर में रहने वाला इत्यादि उभयलिंग कहा जाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे लिंग से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। खोटा मुख्य रूप से कई गो भेद के विधान है। तो खोटा में मुख्य रूप से लिंग को तीन भेद में बांटा गया है। तो इसका आंसर सी होगा, खोटा लिंग। शब्द के आधार चले, वस्तु के आधार चले, दुयो आधार चले, कोनो आधार नहीं चले। तो शब्द से यहाँ कोई नाता नहीं है, यानी वस्तु। एकर में कौन कौन लिंग के विधान खोटा भेटा है? टटका लिंग, वचन लिंग का, या फिर सोहना लिंग, अड़सा लिंग, या फिर समलिंग, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग सब है। तो इसमें होगा पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, यानी तीन को रखा गया है। एकर में उभयलिंग शब्द लागे, छुआ, पोहना, गिदर, सभे, तीनों। तो इसमें सभे होगा यानी सारा होगा, डी। छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंग प्रयोग हुआ है? दो लिंग में, उभयलिंग में देखे थे। खोटे लिंग विधान काल्पनिक है, वास्तविक है, लिंग विधान नखबर है, दुयो है, वास्तविक है, इसमें कोई फेक वाला बात नहीं है। कुम्हार के स्त्रीलिंग की हुआ है, तो कुम्हारिन, कुम्हारिन, तो इसमें होगा कुम्हार और कुम्हारिन भी, तो यानी ए और बी, यानी सी होगा आंसर। फिर अपराणी वाचक संज्ञा की खोटे कौन लिंग में व्यवहार हुआ है? नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले कौन कौन प्रत्यय लागे लगवल जा है पारे? ए, इन, आयन, वायन, नी, यानी सब है। भूई शब्द खोटे कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, कोनो नहीं, स्त्रीलिंग। गाछ शब्द खोटा लिंग बतावा, यानी पेड़ का बताना बताने के लिए बोल रहा है, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग होगा। महतो के स्त्रीलिंग की हते, महतान, महतान, महत्वान, महत्रमा, तो इसमें महत्वान होगा। हाथी के खोटा मादा स्त्रीलिंग हथियान, हाथिनी, हथवान, हाथिन, तो इसमें हाथिन होगा। भेड़ा के स्त्रीलिंग की हते, तो इसमें भौड़ी, ओढ़ायर, भेड़नी, तो ए और बी, यानी डी आंसर होगा। फिर कडरू के स्त्रीलिंग काड़ी, सडारू, कटरायन, यानी ए और बी, काड़ी और सडारू होगा, यानी डी आंसर होगा। बाछा के स्त्रीलिंग की हवा है? बाछी, फेटान, ऑनसायर, तीनों, तो इसमें ऑनसायर होगा, ऑनसायर होगा। लोगदिन के पुलिंग हके, लोग, लोगदा, लोगदार, लोगदान, ये तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगदिन का अपोजिट लोगदा होता है, जैसे कन्या के साथ में लोगदिन जाती है और बौर के साथ में जो बगल में रहते हैं वो लोगदार होता है। फिर बेटा छुआ के स्त्रीलिंग रूप हवे, बेटी छुआ, बेटी छवानी, बेटी छुआन, बेटी छुआ, यानी बेटा का बेटी छुआ, यानी ये होगा। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हके, बेटी गिदरान, बेटी गिदरानी, बेटी गिदर, बेटी गिदरानी,
तो बेटी गिदड़, गिदड़ के स्त्रीलिंग रूप की हवे तो गिदड़ होता है। पठरू के स्त्रीलिंग रूप हवे है पठरायन, पठिया, पठरानी, पाठा, पठियर। पाठा के स्त्रीलिंग रूप हवे है पाठी, पठायन, पठानी, पटकुरिन, तो इसका पठानी होगा। हाल क्रिया पद के स्त्रीलिंग हवे है हाल, हल, हली, हली, तो इसका आंसर होगा डी, तीनों सब है। हतक क्रिया पद के स्त्रीलिंग हवे हत की, हतिक, हतनी, हत भागिन, तो हतिक हते। हतक क्रिया पद के स्त्रीलिंग की हते तो हैल। करिया के स्त्रीलिंग करनी, कैरकी, किरनी, क्रिया, तो इसमें कैरकी होगा। और फिर है फदराहा के स्त्रीलिंग हते तो फदराहा, फदराही, यानी फदराही होगा। होठा सर्वनाम पदे लिंग के प्रभाव, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कहूँ कहूँ पढ़े हैं पता नहीं, नहीं पढ़े हैं। खोटा क्रिया पदे लिंगे के प्रभाव, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कहूँ कहूँ पढ़े हैं पता नहीं, कहूँ कहूँ पढ़ता है। तो ये था मेरा लिंग का क्वेश्चन। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिए खोटा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ किलर खोटा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग किलर खोटा।